हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना हिंदी का प्रोजेक्ट शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। ये फ्रेंड्स विषय सूची मतलब इंडेक्स, ये है हमारा प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, ये है अभिस्वीकृति मतलब एक्नॉलेजमेंट, ये है फ्रेंड्स मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने हिंदी साहित्य के बारे में ही लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है और ये पुराने समय के सिक्के हैं जिसपे की फ़ोटो वगैरह बनी हुई होती थी। यहाँ पे राजा हर्षवर्धन का शासनकाल है, इनका शासनकाल 606 से 648 ईस्वी तक था। अब फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 चरणों में बांटा गया है, वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और नवोत्तर काल। तो हमने इन्हीं के बारे में लिखा है, तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट है हमारा आदिकाल। तो फ्रेंड्स आदिकाल में सबसे पहले मैंने मारवाड़ी समाज को लिया है और यहाँ पे मैंने मारवाड़ी समाज के बारे में लिखा भी है। यहाँ पे मैंने कन्नौज का मंदिर लिया है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिया है, ये उनके पिक्चर है और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनके बारे में लिखा है। ये फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान की बुक है जो इनके मंत्री ने लिखी थी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आदिकाल के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमारा सेकंड है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल में मैंने सबसे पहले श्री कृष्ण और इनके भक्त मीरा की बारे में लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भक्तिकाल के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे मैंने भक्तिकाल के बारे में लिख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले सूरदास जी की पिक्चर लगाई है और यहाँ पे मैंने गुरु रविदास जी को लिया है और अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कबीर जी को लिया है और यहाँ पे मैंने इनके बारे में लिखा है। अगर आपको पर्टिकुलर भी इनमें से किसी पे बनाना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीराबाई को लिया है और अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये भक्ति काल का ही है आगे का। अब यहाँ से हमारा चालू हो जाता है फ्रेंड्स रीति काल। तो रीतिकाल में सबसे पहले मैंने केशव दास जी को लिया है और अगर आप इनके बारे में देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में लिखा भी हुआ है। यहाँ पे मैंने ठाकुर को लिया है क्योंकि रीतिकाल में हमारे ठाकुर वगैरह ये सब आ गए थे, ठाकुर गोविंद सिंह वगैरह। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आधुनिक काल चालू होता है और आधुनिक काल में मैं आपको बता देती हूँ आधुनिक काल में जीवन परिचय, रेडियो, नाटक ये सब चालू हो गया था। ये फ्रेंड्स नवोत्तर काल है और ये नवोत्तर काल की पिक्चर है। नवोत्तर काल में आपको बता देती हूँ जो चल रहा है वो नवोत्तर काल है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में लिखा है हमने। ये आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर फैक्स मशीन वगैरह को लिया है और यहाँ पे मैंने नवोत्तर काल के बारे में लिखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको और भी किसी से रिलेटेड टॉपिक पे प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।